रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूबर नहीद आज आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको किड्स मिल्क बोतल के मतलब बताऊंगी कि इन्हें कैसे साफ़ किया जाता है, किससे जरासीम से पाक रखा जाता है। अब तो बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहले हमने इसको स्टरिलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने स्टैंड सेट किया, उसमें सबसे पहले हमने जाली रखी है। जाली के बाद हम उसमें स्टैंड रख रहे हैं ताकि उसमें वन बाय वन जो से ये मिल्क बॉटल्स हैं ये खड़ी हो सकें, उसमें स्टीम आ सके। पहले हम करते ऐसे थे कि चूल्हे पर सॉस पैन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें गर्म करके गर्म होने के लिए रख दिए। बाज़ ऐसा होता था कि हमें भूल जाता था और जितनी भी किड्स बोटल्स होती थी वो जलने का डर होता था, ये जल भी जाती थी बाज़ दफ़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ही काम आसान हो गया है। हमने करना यूँ है कि ये ना सी मिल्क बोटल से इन्हें वन बाई वन इसमें सेट करना है। ये देखें, ऐसे वन बाय वन सेट करेंगे हम। ये देखिए, अब हम सेट कर रहे हैं। अब है एक किड्स बोतल में हम पानी डालेंगे, तकरीबन 3 या 4 आउंस का पानी डाल सकते हैं इसमें। ये इतना पानी डाल के हमने इसे 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देना है। तो इसे हम 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। ये देखिए, अब मैं सेट कर रही हूँ, इसे ओपन करूँगी, इसमें अब रखूँगी। ये इसे मैंने 7 मिनट पर सेट कर दिया, अब स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए, हमारा बच्चों के किड्स बॉटल्स जो सी है वो स्टीलाइज होना शुरू हो गई है। अब देखिए, टाइम कम रह गया है। जब भी हम इसे स्टरलाइज करते हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखते हैं, इसे ओपन नहीं करते, क्योंकि जितना भी उसके अंदर स्टीम होती है वो किड्स बोटल्स में अच्छे से रहती है, जिसकी वजह से वो किड्स बोटल जो सी है वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। ये अब हमारे 7 मिनट्स पूरे हो गए, अब हम इसे निकालेंगे। कम या ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। अगर आपके किड्स बोटल्स को इतनी चकनाई नहीं रखी तो आप 5-4 मिनट भी रख सकते हैं, 4 या 5 मिनट भी रख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, अगर रात के पड़े हुए हैं, तो फिर आप इसे 7 मिनट्स पर रखें। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगी, वैसे ओपन करते नहीं है लेकिन आपके लिए मैं करूँगी। ये देखिए कितनी स्टीम हो गई है, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। इतने क्लीन तो चूल्हे पर भी नहीं थे होते जितने इसमें क्लीन होते हैं। ये देखिए कितने साफ़ हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।